सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द टॉर्क बस्टर वेयर आई एम गोना रिप अप योर ब्रेथ विद अ न्यू एक्साइटिंग ऑटोमेटिक वीडियो। सो आज अपन बात करने वाले हैं होंडा सिविक के बारे में और ये 2005 का वेरिएंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो दिस इज अ होंडा सिविक। होंडा सिविक को बेसिकली 2006 से लेके 2010 तक सोल्ड आउट करा गया था इंडिया में, एंड फिर 2010 से लेके 2013 तक सोल्ड आउट करा गया था। वो फेसलिफ्ट वाला वेरिएंट था इसका। बट मैं बहुत अच्छे से याद है मुझे कि जब मैं बहुत छोटा था, आई गेस, तो उसको लॉन्च करा था, तो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स ज़्यादा थे। तब मैं इस गाड़ी के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था, लास्ट सेकंड पेज में उस टाइम पे दिया जाता था आर्टिकल्स, न्यू गाड़ियाँ जो भी लॉन्च होती थी उस टाइम पे। तब से ही ये मेरी गाड़ी फेवरेट हो गई थी होंडा सिविक, क्योंकि इसके जो लुक्स है ना वो आज के टाइम की गाड़ियों से भी काफ़ी ज़्यादा स्लीक और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक्स के साथ आती है ये। और JDM कल्चर वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं इस गाड़ी को, एंड काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बनते हैं इस गाड़ी के ऊपर होंडा सिविक की। रात में 2 बजे होंडा सिविक लाउड बहुत ज़्यादा साउंड करती है, तो इस पर बहुत ज़्यादा मीम्स भी बनते हैं। बट ये बोल सकते हैं कि इस गाड़ी का अभी भी अगर डिज़ाइन और इंजन के बारे में बात करें तो आज के टाइम की कई ऐसी गाड़ियां हैं जिनको ये हरा सकती है डिज़ाइन में भी, लुक्स में भी एंड इंजन में भी, क्योंकि इसके अंदर इंजन भी इतना पावरफुल दिया जाता था कि आज के टाइम की कई गाड़ियां जो 1 लीटर आ रही हैं उस टाइम पे इसके अंदर 1.8 लीटर दे दिया था, एंड इसके 3 या 4 वेरियंट्स आते थे। तो फ्रंट्स की बात करते हैं, फ्रंट में आपको बीच में होंडा का बहुत ही बड़ा सा लोगो देखने को मिल जाता है। ये पूरी आप इसके यहाँ पे क्रोम ट्रिम देखने को मिल जाता है। जो ग्रिल है वो इसकी बहुत ही छोटी सी है, और इसका जो बम्पर है वो भी देख सकते हैं आप कि काफ़ी स्लीक डिज़ाइन से है, स्लीक डिज़ाइन में है। यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा स्लीक दिखता है यहाँ से। इसके अंदर आपको हेलोजन हेडलैम्प्स दिए जाते थे और टर्न सिग्नल बल्ब में दिया जाता था। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉग लैंप दिए जाते थे इसके अंदर, एंड यहाँ पे लोअर ग्रिल इसके अंदर आपको ऑफर करी जाती थी। एंड ये गाड़ी ले ली है हमारे यमन भाई ने। यमन भाई को आपने देखा होगा पुरानी वीडियोस में, यमन और मैंने बहुत साथ काम करा है, तो यमन भाई को बहुत मुबारक हो ये गाड़ी। तो यमन ने ली है होंडा सिविक। एंड साइड प्रोफाइल देखेंगे आप इस गाड़ी की तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लीक है। मतलब आज भी, मतलब मुझे तो ये कहीं ऐसी जो सेडान्स आ रही हैं उससे भी अच्छी लग रही है ये गाड़ी आज भी। एंड अगर फ्रंट में बात करें तो इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक दिए जाते थे, और इसका जो अलॉय था ये काफ़ी अलग हटके देखने को मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे अलॉय देना बहुत बड़ी बात होती थी। बीच में आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाता था, एंड इसके अंदर जो बेसिकली आपको टायर साइज ऑफर करा जाता था वो बेसिकली 195 और 65 का और 15 इंचेस के इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते थे। ये इसका साइड इंडिकेटर था। बाद के जो वेरियंट्स आए थे उसके अंदर आपको यहाँ टर्न सिग्नल देखने को मिलता था, बट इसका जो ORV है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल है। एंड देख सकते हैं कि इसका जो फ्रंट ग्लास एरिया है ये कितना बड़ा सारा है, और अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये आपको बहुत बोल सकते हैं कम देखने को मिलता है। 170 mm का इसके अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, बट अगर इसके अंदर आप 4 या 5 लोग बैठ जाते हैं तो और ही ज़्यादा नीचे हो जाती है ये गाड़ी। एंड ये इसका फ्यूल कैप है, और रेयर में भी इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर करे जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे कई ऐसी गाड़ियां थी जिसके अंदर फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक नहीं आते थे, बट इसके अंदर तो फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक दिए गए थे और रियर में भी डिस्क ब्रेक दे दिए गए थे। एंड ये पूरा 15 इंच का इसके अंदर आपको अलॉय देखने को मिलता है। इसका जो हाइब्रिड वाला वेरिएंट था उसके अंदर आपको अलग डिज़ाइन का अलॉय देखने को मिलता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग हट के लुक प्रोवाइड करता था। रियर में आप इसके अंदर देख सकते हैं उस टाइम पे डिफॉगर्स दे दिए गए थे। ये इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप है, और पीछे से देखें मतलब इतना स्पोर्टी लुक बनाया था इस गाड़ी का कि आज के टाइम की कई गाड़ियां ऐसी हैं, कि जिनके अंदर ऐसा लुक अभी तक आया नहीं है। और रियर देखेंगे आप इसका, ये देखें कितना स्लीक डिज़ाइन दिया गया था इस गाड़ी के अंदर। एंड इसके अंदर जो रियर टेल लैंप्स थे ये बेसिकली हैलोजन में दिए गए थे। बाद के जो वेरिएंट्स थे उसके अंदर LEDs दे दिए गए थे। ये तो स्टार्टिंग का मॉडल है, तो ये सबसे पहला वेरिएंट है। एंड इसके जो रिवर्स पार्किंग लाइट थी वो बेसिकली यहाँ दी गई थी, और इसके टर्न सिग्नल भी आपको बल्ब में ही देखने को मिलते थे। रिवर्स पार्किंग लाइट भी इसके अंदर आपको बल्ब में ही देखने को मिलती थी। लेफ्ट साइड वो होंडा की बैजिंग देखने को मिलती थी, बीच में आपको होंडा का लोगो देखने को मिलता था। ये इसकी सिविक की बैजिंग है, नीचे आप देख सकते हैं 1.8, और ये S वेरिएंट था, और ये IVTEC लिखा हुआ है यहाँ पे। VTEC के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मजाक भी बनता है और काफ़ी मीम्स भी चलते हैं VTEC पे, बट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है ये।
और इसके अंदर आफ्टर मार्केट कुछ चेंजेस करे गए हैं। इसके अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा लगा दिया गया है, स्टॉक गाड़ी में नहीं आता था ये, बट ये ओनर जो थे इसके पहले उन्होंने इसके अंदर चेंजेस करवाए थे। रिवर्स पार्किंग सेंसर भी इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ये ओनर ने ही चेंज करवाए थे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कंपनी फिटमेंट अलग आता है। और सबसे अलग बात ये कि इसके अंदर आपको डुअल टिप एग्जॉस्ट देखने को मिलते थे, ये देख सकते हैं आप, इसका डुअल टिप एग्जॉस्ट है। और रेयर भी देखें आप, काफ़ी ज़्यादा स्लीक डिज़ाइन है, लुक्स बहुत शानदार हैं। अगर इसमें रेयर स्पॉयलर लग जाए ना, तो बस इस गाड़ी की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। एंड इसके अंदर साइड्स कटिंग भी लगा दें तो इसके लुक्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। पहले अपन चलते हैं रेयर रो में, फिर चलेंगे इसके फ्रंट में। सो रेयर रो कुछ ऐसा दिखता है इसका, और रेयर डोर कुछ इतना वाइड ओपन हो जाता है कि इसका चाइल्ड सेफ्टी लॉक का स्विच है। यहाँ पे सॉफ्ट टच ऑफर करा जाता है ऊपर, ये हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाता है, आप बॉटल भी रख सकते हैं, छोटी बॉटल जो होती हैं वो इजीली यहाँ रख जाएंगी। ये इसका पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, उस टाइम पे पावर विंडोज इसके अंदर दे दिए गए थे। ये इसका रेयर डोर हैंडल, इनर डोर हैंडल है, जो कि काफ़ी अलग डिज़ाइन में देखने को मिलता है। अब बैठ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। काफ़ी नीट एंड क्लीन इंटीरियर है इस गाड़ी का अभी भी। एंड इसके अंदर रेयर आर्मरेस्ट भी आपको देखने को मिलता था। एंड इसको पुश करेंगे आप, खुल जा भाई खुल जा। तो ये खुल गया, और ये जो है यहाँ पे आप कुछ स्टोरेज स्पेस देख सकते हैं कि थोड़ा सा ही इसके अंदर आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है। ये फीचर मतलब उस टाइम पे इतना लग्जरी फीचर देना बहुत बड़ी बात होती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके इन्फोटेनमेंट, अगर आपको पीछे बैठे बैठे इसका साउंड, जो इन्फोटेनमेंट का साउंड होता है वो बढ़ाना है वॉल्यूम, तो आप यहाँ से उसको बढ़ा सकते थे, कम कर सकते थे। आपको FM का चैनल चेंज करना है तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते थे। फिर आपको FM से CD प्लेयर पे चेंज करना है तो वो आप यहाँ से इसके मोड्स को एडजस्ट कर सकते थे। तो ये फीचर उस टाइम पे इसमें दिया गया था। ये इसका आर्मरेस्ट है, एंड इसके अंदर आपको रेयर जो हेडरेस्ट हैं ये बेसिकली हाइट एडजस्टेबल दिए गए थे। एंड ये इसके सीट बेल्ट हैं, 3-point सीट बेल्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। फ्रंट में आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाता है। काफ़ी खूबसूरती से ही डिज़ाइन करी गई थी ये गाड़ी, और आज के टाइम की भी काफ़ी गाड़ियों से ज़्यादा खूबसूरत है इस गाड़ी का इंटीरियर। इसके जो रीडिंग लाइट्स थी वो बेसिकली राइट साइड भी प्लेस करी गई थी, और जो केबिन लाइट है वो एक आपको बीच में भी देखने को मिलती थी, जिसको आप यहाँ से ओपन अप कर सकते हैं। ये बल्ब में ही ऑफर करी जाती थी, एक आपको रीडिंग लाइट वहाँ देखने को मिलती है, एक रीडिंग लाइट यहाँ देखने को मिलती है, बीच में आपको केबिन लाइट देखने को मिल जाती है। और अब चलते हैं आगे। सो ये है इसका बूट स्पेस, एंड 405 liters इसके अंदर आपको बूट स्पेस कैपेसिटी देखने को मिलती थी। इसका स्पेयर व्हील जो है वो बेसिकली नीचे ही माउंट करा जाता था, यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका स्पेयर व्हील है, और ये भी अलॉय में ही दिया जाता था। ये नहीं था कि ये स्टील व्हील में आपको ऑफर करे जाते थे, ये अलॉय ही दिया जाता था। यहाँ पे इसकी टूल किट जो है बहुत अच्छे से प्लेस करी गई थी, और ये 405 लीटर्स के इसके अंदर आपको बूट स्पेस कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। एंड इसको क्लोज कर देते हैं। इसमें उस टाइम पे कोई भी मैग्नेटिक बटन नहीं दिया गया था, तो या तो आप इसको लॉक से खोल सकते थे यहाँ से, या तो आप इसको आगे से खोल सकते थे। अब चलते हैं इसके फ्रंट रो में। एग्जॉस्ट बता दिया भाई मैंने। सो इसका ड्राइवर साइड डोर इतना कुछ वाइड ओपन हो जाता है। यहाँ पे सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। ये इसके पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, और ये लॉक और अनलॉक का यहाँ पे बटन दिया हुआ है। ये इसके ORVMs के कंट्रोल्स हैं। ये इसका इनर डोर हैंडल है, एंड यहाँ पे आपको इसका जो फ्यूल कैप है वो यहाँ से ओपन होता है। इसको आप पुश करोगे तो ओपन हो जाएगा, पुल करोगे तो इसका जो बूट है, बूट टेलगेट टेल जो है वो बूट जो है वो ओपन अप हो जाएगा। इसके अंदर आपको ड्राइवर सीट भी हाइट एडजस्टेबल देखने को मिलती थी उस टाइम पे। और मतलब जैसे ही आप इसके अंदर बैठेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, और ऐसा लगेगा कि आप कोई स्पोर्ट्स कार में बैठे हुए हैं, इतना अच्छा इसका इंटीरियर दिया गया था। एंड इसके स्टेयरिंग की बात करें तो इसके अंदर आपको थ्री स्पोक स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता था, और
इसके अंदर आपको 3-spoke स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता था। राइट साइड इसके लाइट्स के कंट्रोल हैं, लेफ्ट साइड जो है इसके अंदर आपको वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते थे। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो जो इसका स्टेयरिंग एडजस्टमेंट है ओबियसली तो ये टेलीस्कोपिक टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। सो ये देख सकते हैं ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। और ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसके अंदर आपको 6 कॉम्पैक्ट डिस्क चेंजर देखने को मिलता था, यानी इसके अंदर आप 6 CDs लगा सकते थे उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर कर दिया गया था। और कुछ जो लेटर मॉडल्स आए थे उसके अंदर आपको जो टॉप एंड वेरिएंट्स थे उसके अंदर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया था, बट जो बेसिक और स्टैंडर्ड वेरिएंट्स थे उसके अंदर आपको 2 DIN वाला ऑडियो सिस्टम देखने को मिलता था। और देख सकते हैं 6 इसके अंदर आप डिस्क लगा सकते थे CDs, एंड इसको सेट कर सकते हैं आप यहाँ से। और ये इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है जिसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है। एंड ये जो है ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, शटर वाला फीचर, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आपको ऑफर करी जाती है। बट ये जो शटर वाला सिस्टम है ये बहुत ही प्यारा लगता है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी आती है ये। एंड इसके अंदर आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देखने को मिलता था। सबसे अलग हटके इसके अंदर आपको जो है वो इसका हैंड ब्रेक देखने को मिलता था, जो कि कुछ ऐसा प्लेस करा गया था, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी जाती है। एंड ये इसका थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो है ना शटर, ये मुझे चलाने में बड़ा मज़ा आता है। और अगर आप इसको कप होल्डर्स बनाना चाहते हैं तो बस आप यहाँ पे इसको प्रेस करिए, ये आपके 2 कप होल्डर्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, जिसको आप ऐसे फोल्ड करके बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपको स्टोरेज स्पेस चाहिए तो आप इसको स्टोरेज स्पेस की तरह यूज़ करें, और अगर आपको कप होल्डर्स चाहिए तो आप इसको कप होल्डर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर आपको आर्म रेस्ट भी ऑफर करा जाता था, जो कि स्लाइडेबल देखने को मिलता है। इसका मैकेनिज्म बहुत ही स्मूथली वर्क करता है, एंड इसके अंदर आपको आर्म रेस्ट के अंदर स्टोरेज स्पेस भी देखने को मिल जाती है। और इसका जो ग्लव बॉक्स है वो बेसिकली आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बोल सकते बट हाँ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। AC वेंट्स बहुत ही खूबसूरती से प्लेस करे गए हैं, जो को पैसेंजर साइड वाला है वो उसी तरफ हल्का सा माउंटेड है, एंड ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो हल्का सा ड्राइवर साइड माउंटेड है। अब जो इसका सबसे स्पेशल फीचर है वो दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ ऐसी की आपको इसके अंदर ऑफर करी जाती थी जिसके अंदर लॉक और अनलॉक के बटन्स दिए हुए थे। एंड इसको अब ओपन अप करते हैं, सो ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि सबसे ज्यादा ही अट्रैक्टिव लगता है। ये बीच में आप देख रहे हैं ये इसका RPM मीटर है, एंड लेफ्ट साइड आप इसके वार्निंग लाइट्स को देख सकते हैं। जो इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट आता था उसके अंदर यहाँ पे P लिखा रहता था, D लिखा रहता था, क्योंकि वो ड्राइविंग जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसका यहाँ पे शो करता था कि आप कौन से ड्राइव मोड पर हैं। और नीचे इसका आप ट्रिप मीटर देख सकते हैं, ये आप इसका ट्रिप मीटर देख पा रहे हैं अभी, टोटल 54,000 ही चली हुई है ये गाड़ी। एंड ये इसका ट्रिप मीटर A है, ट्रिप A ट्रिप B इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड सीट बेल्ट की वार्निंग इसके अंदर शो कर रहा है, हैंड ब्रेक की भी वार्निंग ये शो कर रहा है। एंड ये जो है ना इसमें आपको डबल स्पीडोमीटर अलग देखने को मिलता है, RPM मीटर अलग देखने को मिलता है, तो जो कि ऊपर प्लेस करा गया है। ऐसा लगता है कि आप कोई जेट चला रहा हूँ, फाइटर जेट, क्योंकि इसका जो स्पीडोमीटर है काफ़ी अलग हटके, मतलब आज तक कभी ऐसा मैंने स्पीडोमीटर नहीं देखा जो कि इतनी खूबसूरती से प्लेस करा गया हो। एंड लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो ये इसका इंजन टेम्परेचर मीटर है, राइट साइड इसका आप फ्यूल मीटर देख सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिया जाता था। और इसके जो वाइपर्स हैं वो भी अपोजिट साइड चलते हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल की तरह से वैसे ही चलते हों, अपोजिट चलते हैं वो दोनों, तो ये भी बहुत एक कूल फीचर उस टाइम देखने को मिलता था। ये इसके केबिन लाइट्स हैं, यहाँ पे भी सनवाइजर में इसके अंदर आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड दोनों इसके अंदर आपको वैनिटी मिरर ऑफर करा जाता था। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ अब स्टार्ट करके, तो जैसे ही अब मैं रिवर्स गियर डालूंगा तो ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड है विद गाइडलाइंस। सो यहाँ पे ये एक आफ्टर मार्केट चेंज करा गया था। बाकी इसका जो IRVM है वो बेसिकली आपको मैनुअली ऑटो डिम करना पड़ता है,
ऐसे करके, ये ऑटो डिम फीचर के साथ नहीं आता था, बट जितने फीचर इसके अंदर दिए गए थे वो बहुत उस टाइम के हिसाब से बहुत ही लग्जरी फीचर्स थे। सो अब इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता हूँ आपसे। और इसके अंदर 1.8 लीटर का इंजन ऑफर करा जाता था जो प्रोड्यूस करता था 130 bhp एंड 6250 rpm पे ये 130 bhp प्रोड्यूस करता था। एंड अगर टॉर्क की बात करें तो ये एट अ टाइम रिस्पॉन्स देता है 100 kilometers per hour जो इसके अंदर गाड़ी में देखने को मिलती है वो इतनी ज्यादा है कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ही पावरफुल गाड़ी थी और आज के टाइम के हिसाब से भी बहुत पावरफुल गाड़ी है ये, क्योंकि इसके अंदर आपको 1.8 लीटर का इंजन देखने को मिलता है। सो इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग व्हील दिया जाता था उस टाइम पे, और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो मज़ा जो आता है ना वो इसका आरपीएम मीटर और इसका स्पीडोमीटर देखने में आता है, क्योंकि जब आप इसको चलाओगे ना तो आपका ध्यान रोड से ज़्यादा इसके आरपीएम मीटर और स्पीडोमीटर पे रहेगा। और अपन को लेफ्ट चलना है तो यहाँ पे आप इसके इंडिकेटर का जो सिग्नल है वो आपको ऊपर देखने को मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पावरफुल गाड़ी होती है, इसको अगर आप ट्यून करवाना चाहो तो ट्यून भी हो जाती है ये। एंड बहुत से लोगों ने इसी गाड़ी को मॉडिफाइड करके रखा है, कस्टमाइज करके रखा है, क्योंकि इस गाड़ी में जो कस्टमाइजेशन होते हैं वो इतने प्यारे लगते हैं और डिसेंट लगते हैं, और टोटल JDM ही गाड़ी है ये, तो आपको बहुत ही मजा आता है इस गाड़ी को चलाने में। और होंडा के जो इंजन होते हैं वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा रिफाइंड होते हैं। पूजा चल रही है, वो बोल रहा शाम तक कर रहा हूँ। हाँ, शोरूम चला भी है। तो ये पावर डिलीवरी देख सकते हैं कि फर्स्ट गियर में 62 तक पहुंच जाती है आराम से। तो मैंने क्या बोला, मतलब आपको ज्यादा इसके अंदर आपको पुश करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही इसके अंदर आपको इतना टॉर्क और इतना पावरफुल इंजन देखने को मिलता है। बट एक चीज इसकी एक जो है वो ये है कि इसके अंदर जो एवरेज आपको देखने को मिलता है वो बहुत कम देखने को मिलता है, 8-10 निकाल देती है ये, 8-10 का एवरेज ये बेसिकली देती है। और अगर आप इसको स्मूथली चलाएंगे तो बहुत से बहुत 12 तक का भी ये एवरेज निकाल देगी। सो ये बहुत ही पावरफुल गाड़ी है, तो आपको ये तो झेलना पड़ेगा कि अगर आप पावरफुल गाड़ी ले रहे हो तो आपको एवरेज बहुत कम ही देखने को मिलता है, ज़्यादा एवरेज तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ही 1.8 लीटर का इसके अंदर आपको इंजन देखने को मिलता है 4 सिलेंडर वाला विथ VTEC टेक्नोलॉजी, तो इस गाड़ी को चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, स्मूथ चलती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि होंडा के जो इंजन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होते हैं और स्मूथ होते हैं। मतलब होंडा के अगर आप पेट्रोल इंजन पे जा रहा हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिफाइनमेंट देखने को मिलता है उनके अंदर, कोई लैग नहीं करते वो। एंड जो इसके जो दूसरे वेरिएंट्स से जो 2010 के बाद जो इसके मॉडल्स आए उसके अंदर आपको सनरूफ भी देखने को मिलता था, एंड टॉप एंड जो वेरिएंट्स आते थे उस टाइम पे उसके अंदर आपको यहाँ पे टच स्क्रीन सिस्टम भी देखने को मिलता था, जिसके अंदर आपको इनबिल्ट रिवर्स पार्किंग सेंसर और कैमरा भी दिया गया था। सो ये था पूरा वीडियो होंडा सिविक के बारे में, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। एंड स्पेशल थैंक्स टू यमन भाई, यमन भाई की गा रही है, और यमन भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन कि यमन भाई ने होंडा सिविक ले लिए अपनी मेहनत और अपने पैसों से। सो ड्राइव सेफ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।